आज जो प्रेस है, कल आपने देखा होगा कि संसद के अंदर कल श्रीमान राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर हिंदुओं को हिंसक, असत्यवादी और नफरतवादी की उन्होंने संज्ञा दी है। वे न केवल झूठ बोल रहे हैं बल्कि 125 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कल की उनकी जो भाषा आपने देखी होगी कि किस तरह से उन्होंने बार बार हिंदुओं को अपमान करने की बात कही। लगातार तीसरी बार फिर कांग्रेस बार बार लॉन्च करती है, लेकिन आप देख पा रहे हैं लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो उन्होंने रिजेक्ट हो चुके हैं, राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये पहला भाषण ही झूठ, निराशा और तथ्यहीन बातों को लेकर के था। लोकसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा थी जिस पर राहुल गांधी एक शब्द भी नहीं बोले। राहुल गांधी ने सदन में केवल झूठ बोला है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में न केवल हिंदुओं का घोर अपमान किया बल्कि हिंदू समाज को हिंसक, नफरती और झूठा बताने का काम भी किया। ये कांग्रेस की आदत रही है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर वोटों का ध्रुवीकरण का काम करते हैं और एक दूसरे में वैमनस्यता फैलाने का काम इन्होंने किया है। कांग्रेस नेता सदैव हिंदू समाज के खिलाफ बोलते रहे हैं। आपने देखा होगा वर्ष 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम, वर्ष 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, इसी जयपुर में हिंदुओं को आतंकवादी बताया था और बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ी। हिंदुओं को हिंसक और अवसरवादी बताना, संसद की बहस के दौरान ईश्वर के चित्रों को सामने रखना और इस पर राजनीति करना, एक नेता जो प्रतिपक्ष का नेता है उसको सोवा नहीं देता है। मैं श्रीमान राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा कि हिंदू कौन है। हिंदू वह है जो हिंदू वसुदेव कुटुंबकम की भावना को रखने वाला है। हिंदू वो है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की कामना करने वाला हिंदू है। हिंदू जीव प्रकृति जल चेतन में ब्रह्म को साक्षात्कार करने वाला है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस मंत्र को जीने वाला हिंदू है।